पेटीएम बंद होने वाला है 29 फरवरी 2024 के बाद। अब पेटीएम आपको यहाँ पे सर्विस में नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, तो क्या ये रियलिटी है? अगर आपका पेमेंट बैंक में पैसा है, आपने जो है पेमेंट बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, वॉलेट है आपके पास, आप रिटेलर मतलब रिटेलर्स हैं, आपके पास शॉप है, या मान लीजिए आप जो है ऐसे सब्जी वगैरह बेचते हैं, उसमें आपका जो है अकाउंट जुड़ा हुआ, आपके पास साउंड बॉक्स है, तो उसमें पेमेंट लेते हैं, तो क्या आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत है, आपका पैसा फंस जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा, आपको पेटीएम की जो है हिस्ट्री नहीं बताऊँगा, मैं ये बताऊँगा कि RBI ने जो पेटीएम को नोटिस दिया है और जो लास्ट डेट दी है उसमें क्या होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए अगर आपके अकाउंट यहाँ पेटीएम पेमेंट बैंक में है या पेटीएम में वॉलेट में आपका पैसा है। तो क्या सच में ये गायब हो जाएगा 29 तारीख के बाद? आप नहीं यूज कर पाएंगे, अभी भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, रियलिटी जानने की ज़रूरत है। दरअसल यहाँ पे RBI ने पेटीएम को एक नोटिस भेजा है, और वो नोटिस इसलिए भेजा है क्योंकि पेटीएम ने क्या किया था कि जब यहाँ पे वो पेमेंट बैंक लेके आ रहे थे, तो यहाँ पे एक KYC नाम की चीज़ आपको मालूम होगा, वो करना होता है, कोई भी पेमेंट से रिलेटेड हो बैंक में आप KYC करते, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। तो ये पेटीएम वाले क्या कर रहे थे, इन्होंने थर्ड पार्टी को दे दिया कि आप KYC करिए, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पे प्रॉपर KYC नहीं कर रहे थे। अब एक ही पेन कार्ड पे कई सारे अकाउंट बना के वहाँ पे ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा था, तो RBI ने उसको पकड़ लिया। जब उन्होंने पकड़ा कि ये सारी चीज़ें हो रही है, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रही है, तो उन्होंने एक नोटिस भेज दिया। अक्टूबर 2022 में इनको नोटिस मिला, फिर भी ये उसी तरीके से अभी भी जो है ये काम कर रहे थे और प्रॉपर तरीके से ये KYC वगैरह नहीं कर रहे थे। तो अभी फिर उनको एक नोटिस भेजा गया है कि अब आगे से आपको 29 फरवरी के बाद से आपको कोई भी पेमेंट बैंक में अकाउंट नहीं खोलना है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। मगर पहले अगर आपने यहाँ पे पेमेंट बैंक में अकाउंट बना लिया है, पैसा है, वॉलेट में पैसा है, तो आपको अब क्या करना है? दरअसल आपको यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है और आप एक नॉर्मल यूजर्स हैं, आप अभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उस पैसे को पूरा यूज कर सकते हैं 29 फरवरी तक। मतलब कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है 29 फरवरी, और 29 फरवरी के बाद भी अगर आप नहीं यूज कर पाते हैं, तो जब तक आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में है, पेटीएम के पेमेंट बैंक में है, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा पैसा यहाँ पे यूज कर लीजिए। जो करंट में गाइडलाइंस आई है, जो नोटिस मिला है पेटीएम को, उसके अकॉर्डिंग आपको जब तक आपका पैसा पूरा आप यूज नहीं कर लेंगे, यूटिलाइज नहीं कर लेंगे, तब तक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास शॉप है, आप वहाँ पे एक पेटीएम का पेमेंट बैंक का बॉक्स आपने लगाया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, अगर आपका पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 29 फरवरी तक चलेगा और उसके बाद भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि पेटीएम बंद होने वाला, पेटीएम बंद होने वाला नहीं है, ये सब सारी सर्विसेज चलती रहेंगी। अगर आपका वॉलेट में पैसा है तो आप उसको यूज कर लीजिए, अगर आपका जो है यहाँ पे पेमेंट बैंक में पैसा है तो उसको भी यूज कर लीजिए। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे उन लोगों को आ रही है, वो सबसे ज़्यादा डर रहे हैं जो उन्होंने पेटीएम में UPI बनाया हुआ है, वो क्या कर रहे हैं, अब दूसरा अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं, ताकि वो जो है यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो है UPI, अब दूसरा वो पेमेंट माध्यम भी सर्च कर रहे हैं। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल अगर आपने यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक से UPI बनाया हुआ, तब तो आपका उसको चेंज कर लेना चाहिए, फिलहाल जितना पैसा उसको आप यूज कर लीजिए। अगर दूसरा बैंक, मान लीजिए SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, कोई भी अदर बैंक से आपने UPI बनाया हुआ है पेमेंट बैंक में, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे पेमेंट अभी भी होगा, 29 फरवरी तक होगा, उसके बाद भी होगा, आप कंटिन्यू करते रहेंगे, वो सारी चीज़ें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत पेटीएम में उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर KYC जिनका नहीं हुआ है, और जो अब नए अकाउंट खोले जाएंगे, वो तो नए अकाउंट वो बंद कर दिए गए, मतलब अब नया अकाउंट अभी फ़िलहाल में नहीं खुलेगा पेटीएम पेमेंट बैंक में, वॉलेट में पैसे ऐड नहीं होंगे, तो ये सारी चीज़ें अब नया नहीं होगा, जो करंट में चल रहा है वो चलता रहेगा और आप उसको आप कंटिन्यू करते रहिए। हाँ, एक चीज़ करिए कि आप अभी तक आपका जो पैसा है उसको यूटिलाइज कर लीजिए, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। डरने की ज़रूरत नहीं है कि 29 फरवरी के बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी और आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका पैसा जब तक आप निकाल नहीं लेंगे तब तक पेटीएम में आप इसको ट्रांजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें करते रहेंगे। तो गाइस ये है रियलिटी। बहुत सारे लोग यहाँ पे डर रहे हैं, बहुत सारा दूसरा माध्यम ये सारे सर्च कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। वॉलेट में पैसा है तो उसको रिचार्ज वगैरह कर लीजिए या ट्रांसफ़र कर लीजिए, सारी चीज़ें यूज कर लीजिए। तो
तो गाइस ये था यहाँ पे रियलिटी। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे रियलिटी समझ में आ गई होगी। अब आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें बता रहे होंगे बंद हो जाएगा ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो उसका पनिशमेंट उनको मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है। हाँ, अगर आगे इन फ्यूचर प्रॉपर तरीके से वो करते हैं तो हो सकता है कि पेमेंट बैंक फिर से यहाँ पे चालू हो जाएगा पेटीएम का। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल अभी आपको अलर्ट रहना है और जो मैंने बताया है वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो यार अब आप भी जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी रियलिटी पता चल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को।